अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डीएलएड बीटीसी रिजल्ट 2024 लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। और आज हमारी तारीख हो चुकी है 16 अक्टूबर 2024। जी हाँ, सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये वाला हमारा जो रिजल्ट है प्रथम सेमेस्टर, वो रिजल्ट हम कब डाउनलोड कर पाएंगे। आपका एग्जाम अगस्त में हुआ था, पूरी अपडेट हम आपके सामने इसी वीडियो में रखेंगे। जी हाँ, उसके बाद देखिए आपका रिजल्ट दो तरह का आता, एक तो पास होगा या तो फेल होगा, और तीसरा दोस्त एक रिजल्ट आता हमारा इनकम्प्लीट करके। ठीक है, आपके सामने कुछ ऐसे रिजल्ट आएंगे लेकिन मैक्सिमम या तो पास या तो फेल वाला रिजल्ट आएगा, थर्ड वाला आना थोड़ा मुश्किल रहता है। फिलहाल परीक्षा की डेट शीट सेकेंड सेमेस्टर में क्या होगी, एक सब्जेक्ट आपका कम होगा। ठीक है, तो हर एक अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे और फेल या पास कैसे पता करना है। ठीक है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो हमारा डीएलएड 2023 बैच, ठीक है, दो तरह का हमारा रिजल्ट आएगा। 2023 बैच का जो रिजल्ट डाउनलोड करना रहेगा, यहाँ पर आपको रोल नंबर के साथ साथ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो हमारा रिजल्ट आएगा 2022 बैच का, इस रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए सिर्फ आपको रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए एक बार हम लोग वेबसाइट पर भी चलते हैं, जहां पर अधिक जानकारी आपको मिलती है। देख सकते हैं dlrizult.com वेबसाइट पर 16 अक्टूबर तक की अपडेट है, यहां पर ही सबसे पहले आपका रिजल्ट अपडेट होगा। अब चलिए आते हैं पीएनपी की वेबसाइट पर, यहां पर देख सकते हैं अभी तक 517 बच्चे ऑनलाइन देख भी रहे हैं कि भैया रिजल्ट आ तो नहीं गया। यहां पर फिलहाल अभी सबमिट प्रैक्टिकल के नंबर अपडेट यहां पर हो रहा है, जब भी ये नंबर अपडेट होता है उसी के बहुत ही कम समय में आपका रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है 2023 बैच 2021-18-15 इस वेबसाइट पर रिजल्ट दिखेगा। और इस वेबसाइट पर दोस्तों 2019 बैच था, 17 बैच था और 22 बैच, ठीक है, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी शो होने वाला है। ठीक है, तो इंतजार की घड़ियाँ बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली है, हर एक लेटेस्ट अपडेट से आप यहाँ पर अपडेट रहेंगे। अब समझ लीजिए पहले आपको अपना रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद परसेंटेज कैसे निकालना रहेगा। देखिए ये बात कोई आपको बताता नहीं, ये दोनों को भूल जाइएगा, जो सिर्फ प्राप्तांक वाला होगा ना कॉलम, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो भी लिखित परीक्षा सारे नंबर आप ऐड करते जाएंगे, जैसे 92 तक ऐड कर लीजिए, फिर आंतरिक परीक्षा में सभी नंबर को जोड़ दीजिए। ठीक है, जो भी नंबर जोड़ने पर है उसको बस 8 से आप भाग कर देंगे, बस आपका परसेंटेज आ जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, जो आपका रिजल्ट में कभी कभी फेल आता है, ये दोस्तों एक्सटर्नल की वजह से भी आ सकता है, इंटरनल की वजह से भी आता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर इंटरनल में क्या बैक लग जाती है कभी कभी? जी हाँ, कभी कभी गलती से, देखिए ये जानबूझ के नहीं होता, ये गलती से बैक लगती है। ठीक है, और मैक्सिमम ये वाला जो सब्जेक्ट है 49 नंबर देख रहे हैं, इसमें गलतियां होती हैं। यहाँ पर भी देखिए ये 49 नंबर वाला, कुछ टीचर गलती से इसमें 25 नंबर दे देते हैं, जबकि ये प्रैक्टिकल 50 नंबर का होता है, पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए, इस वजह से आपकी बैक लगती है, नहीं तो इस केस में भी आपकी बैक लगती नहीं। फिलहाल अब बात कर ले आज तक की अपडेट क्या, कब तक हमारा रिजल्ट आएगा। जी आप इस वीडियो को इसीलिए देख रहे हैं कि भैया ये तो क्लियर हो जाए कि आज हमारा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया है, सबसे पहले वहां से आपको सारी जानकारी मिलेगी, और एक हमने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, उससे आप लोग, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। जो भी रिजल्ट आएगा आपका या सुपर टेट, सी टेट, जो भी अपडेट्स आएंगे, सारी अपडेट आपको उस वेबसाइट के माध्यम से मिलती रहेंगी। फिलहाल रिजल्ट इस बार बेहतर आने की उम्मीद है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग, और बहुत ही जल्द रिजल्ट आने वाला है। सोशल मीडिया के अफवाह से सावधान रहना है, और आपने जो पैसा खर्चा किया होगा ना, बहुत से बच्चों ने, देखिए आपको क्लियर बता दें, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 5,000, कोई बच्चा 10,000 ऐसी पेमेंट किया होगा। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। इसीलिए कहते हैं पहली बात तो कभी किसी को पैसा मत दीजिए, फिलहाल देख लेते हैं कि आपका रिजल्ट कैसा बनता है। थोड़ा सा सब्र करना है, बहुत ही जल्द रिजल्ट आने वाला है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।